हाय टीम, वेलकम टू आर्मी बूट्स। WAT फॉर 21 फरवरी 2021 इज ऑन योर स्क्रीन। दे आर शार्प, टेरर, एजुकेशन, फियर, चैलेंज, सोसाइटी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दिस। आज पार्क में बैठा हुआ हूँ जब ये कर रहा हूँ, और चिड़ियाँ चूचू करेंगी, कुत्ते भौंकू करेंगे, तो मैनेज करना या एंजॉय करना, ठीक है। अतुल लिखते हैं, सबसे पहले, शार्प माइंडेड पीपल आर लीडर्स ऑफ अ क्राउड। ऑफकोर्स दे आर, बट डज नॉट नेसेसरी कि कोई इंसान शार्प है तो वो लीडर बनेगा ही बनेगा। बिकॉज वी नो दैट पीपल आर वेरी स्मार्ट बट दे आर नॉट वेरी गुड इन एक्सप्रेसिंग देयर थाट्स। सो इफेक्टिव इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, करेज, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, ये सारी चीज़ें भी अलग हैं, क्लियर। पर हाँ ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है बिकॉज लीडर हैव टू बी वेरी शार्प, तो ये सही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये और इम्प्रूव कैसे हो सकता था, मैंने बस ये बताया। टेरर फंडिंग इज़ एन ऑफेंस अकॉर्डिंग टू UN। देखो, टेरर फंडिंग मॉरली भी गलत है, तो आप UN का सहारा ना लो तब भी चल जाएगा। मतलब अगर UN बोल दे कि टेरर फंडिंग ऑफेंस नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ऑफेंस नहीं है, वो गलत है। तो मॉरली बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट करो। ऑल दो दिस इज़ ऑल्सो कूल बिकॉज इट टेल्स अबाउट मॉरल एज वेल एज योर डेटा बेस, कि आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है। एजुकेशन चेंजेस द ओवरऑल पर्सनैलिटी, वेरी गुड। फियर कैन बी ओवरकम बाय फेसिंग इट बोल्डली, वेरी गुड। आपका करेज दिखता है। Obstacles in life makes life challenging and exciting. Very good. Mindset of person depends upon the type of society he wants to live in. Very good, Atul. This is almost 10 on 10. In fact, these type of responses can get you recommended by the psych. तो ऐसा कुछ गलत है नहीं इसमें। वो जो मैंने शुरुआत में बोला वो थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करने के लिए था। Rather, अगर आप ऐसे ही लिखते हो तब भी ये एब्सोल्यूटली एक्सेप्टेबल है, क्लियर। यश लिखते हैं, प्रैक्टिसिंग लॉजिकल रीजनिंग शार्पन्स योर IQ, ठीक है। सोल्जर्स आर ट्रेंड हार्ड टू डील विद टेरर, वेरी गुड। एजुकेशन प्रोवाइड्स यू अ करियर एंड गुड पर्सनैलिटी। डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क ओवरकम्स फियर। डेली टारगेट्स एंड चैलेंज मेक्स द लाइफ इंजॉयबल। गुड मॉरल वैल्यूज आर लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, वेरी गुड। इट इज 10 on 10 रिस्पॉन्स, बधाई हो यश जी आपको। सत्यम लिखते हैं, प्रैक्टिसिंग अ स्किल रेगुलरली शार्पन्स इट, वेरी गुड। डिटर्मिनेशन, militants have terror of Indian army, very good. Education is the fourth basic need and it is improve quality of life, and it improve quality of life. Face your fears and overcome it by standing firm in front of it, theek hai. Completing everyday challenges make us better version of ourselves, fine. Social skills and ethics are learned from society, theek. Satyam ji badhaiyo, aapke bhi 10 on 10 hai, sare ke sare bahut crude hai, bahut acche hai. एकदम ऐसे नहीं आए, क्योंकि कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं पर वो बहुत स्टीरियोटाइप होते हैं, पता होता है कि इसका तो ये लिखना चाहिए था। आपके थोड़े अच्छे हैं, गुड, ओके। संदीप लिखते हैं, लीडर्स हैव शार्प माइंड, ब्रेवरी डिफीट्स टेरर, एजुकेशन प्रोवाइड्स पर्पस, डेडिकेशन रिमूव्स फियर, चैलेंज इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, विजडम क्रिएट्स हेल्दी सोसाइटी। संदीप जी इतने शॉर्ट क्यों लिखे हैं, बिकॉज वेन यू राइट सच शॉर्ट सेंटेंसेज, इसका मतलब आपके दिमाग में है कि किसी न किसी वर्ड को किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके लिख दो। जैसे लीडर्स हैव शार्प माइंड, नॉट नेसेसरी आपका माइंड बहुत शार्प ना हो, स्टिल यू कैन लीड अगर आप लोगों का भला चाहते हो। सी, लीडर्स डू नॉट नीड टू बी वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट, वेरी कनिंग। सपोज आपके पूरे ग्रुप को कोई लीड कर रहा है, तो ही हैज़ टू बी ऑनेस्ट, ही हैज़ टू बी करेजियस, ही हैज़ टू हैव पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर, ये क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय शार्प के। ब्रेवरी डिफीट्स टेरर, ये बहुत अच्छा है। और राधा वी कुड हैव रिटन कि कन्फ्रंटिंग द टेरर मेक्स यू ब्रेव, ऐसा। एजुकेशन प्रोवाइड्स पर्पस, एजुकेशन प्रोवाइड पर्पस से मैं समझ नहीं पाया, बिकॉज एजुकेशन प्रोवाइड्स एनलाइटमेंट, आपको अवेयरनेस आएगी एंड देन यू विल डिसाइड कि आपको क्या करना है। पर बहुत लोग होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते, फिर भी उनको पता होता है क्या करना है, भले गलत ही कर रहे हो। मतलब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, दो लोग हैं और एक बहुत एजुकेटेड है और एक अनएजुकेटेड है। एजुकेटेड को पता है क्या करना है और कहाँ पहुँचना है। अनएजुकेटेड के पास भी तो कुछ ना कुछ एम्स होंगे ना, हालांकि बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रैटेजाइज नहीं होंगे, बट फिर भी होंगे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना आपने इसको लिंक कैसे करा है। दूसरा, चौथा लिखा आपने, डेडिकेशन रिमूव्स फियर। देखो, डेडिकेशन गिव्स यू फ्रूटफुल रिजल्ट। हाउ इज़ इट रिमूविंग द फियर, ये एक स्टूडेंट के माइंडसेट से हो सकता है कि उसको डर लग रहा हो कि उसका एग्ज़ाम है, वो पास होगा नहीं होगा, मेरिट में आएगा नहीं आएगा। तो मे बी डेडिकेशन इन स्टडीज़ इज़ रिमूविंग द फियर ऑफ फेलियर इन दैट पर्टिकुलर थिंग, शायद ये सोच के आपने लिखा है ना। ओके, ये भी एक्सेप्टेबल है। चैलेंज इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस, ठीक है। फेसिंग चैलेंजेस, विजडम क्रिएट्स हेल्दी सोसाइटी। लास्ट वाला कंप्लीट है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। उसमें आपने कितने शब्दों का प्रयोग किया है, चार। पहले वाले में भी चार का प्रयोग किया।
ठीक है, तो संदीप डोंट राइट वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, वो एक पैटर्न दिखेगा कि फटाफट से इनकी हैबिट है किसी न किसी चीज़ को किसी न किसी अच्छी चीज़ से लिंक करना। सपोज़ मैं करेज लिखता तो आप लिखो लिख देते सोल्जर्स हैव करेज, सपोज़ मैं लिख देता ऑनेस्ट तो आप लिख देते क्या बोलते हैं ऑनेस्टी इन सोल्जर्स में भी किसी अच्छी चीज़ से रिलेट करते। तो बहुत शॉर्ट लिखोगे तो एक पैटर्न दिखेगा, पैटर्न दिखेगा तो एक कोच रिस्पॉन्स वाली फील आएगी। ओके केशव लिखते हैं वन हैज़ टू बी शार्प इन माइंड, शार्प माइंडेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वेरी गुड। वी कैन फिनिश टेरर व्हेन वी डील इट एट इनिशियल स्टेज टू अवॉइड बिग डैमेज लेटर। ओके केशव जी, वी कैन फिनिश टेरर, यहाँ पर टेरर से आपका वर्ड टेररिज्म से है या फिर डर से है, क्योंकि डर को शुरुआत में मार दो तो बाद में बहुत आसानी होती है, ठीक है, पर यहाँ पर आपने ऐसे लिखा है टू अवॉइड बिग डैमेज लेटर, तो आई हैव एन आइडिया कि यह शायद टेररिज्म से रिलेटेड हो। ठीक है, प्लीज़ कॉमेंट में मुझे बता दें। एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट इफ़ यू आर कैरेक्टरलेस, ठीक है, या फिर बेटर राइट ना कि एजुकेशन ट्रू एजुकेशन बिल्ड्स योर कैरेक्टर, ज़बरदस्ती कैरेक्टरलेस क्यों लाए हम। फियर ऑफ हैज़ टू बी फेस्ड ब्रेवली इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सेस, फियर हैज़ टू बी फेस्ड ब्रेवली इफ़ यू वॉन्ट सक्सेस, वेरी गुड। प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इफ़ यू एक्सेप्टेड एज अ चैलेंज, ठीक है। सोसाइटी हैज़ अ रिचुअल ऑफ सेफ प्लेइंग, इट कैन बी समटाइम्स बैड फॉर अस, सोसाइटी हैज़ अ रिचुअल ऑफ सेफ प्लेइंग, इट कैन बी समटाइम्स बैड फॉर अस। डज दिस मीन कि सोसाइटी हमेशा सेफ रस्तों पर चलती है या फिर ज़्यादातर लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं जाती है बिकॉज इट फील्स भेड़ चाल में ही सेफ्टी है। तो जो आपका लास्ट वाला है ना वो आपके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बता पाया, शायद ये बताता हो कि आप आउट ऑफ द सोसाइटी काम कर सकते हो या फिर कभी कभी करते हो, तो फिर भी वो थोड़ा एम्बिगिटी रखता है। बाकी योर ऑल अदर रिस्पॉन्सेज आर फाइन, दे आर गुड। श्रेया लिखती हैं इंटेलिजेंट पीपल वर्क हार्ड टू शार्पन देयर स्किल्स, ठीक है। प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एनी फ्यूचर टेरर, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखाता है। एजुकेशन वाइडन्स अ पर्सन्स रीजनिंग एबिलिटी, एजुकेशन वाइडन्स अ पर्सन, ठीक है। फेसिंग फियर मेक्स वन स्ट्रांग, वेरी गुड। एवरी चैलेंज इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पीपल वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ओके श्रेया बधाई हो, यू आर 10/10 ऑन दिस, सारे के सारे आपके एकदम ठीक है। अंजलि लिखती है ए शार्प पर्सनैलिटी मेक्स अ स्ट्रांग इंप्रेशन, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड मॉरल वैल्यूज कॉजेज टेररिज्म, अच्छा लैक ऑफ नॉलेज एंड मॉरल वैल्यूज कॉजेज टेररिज्म, कॉजेज टेररिज्म, टेररिज्म क्रिएट होता है क्योंकि मतलब देखो टेररिज्म जो है ये आप जब आपने लिखा लैक ऑफ नॉलेज एंड मॉरल वैल्यूज से टेररिज्म आता है, इसका मतलब टेररिस्ट के रिस्पेक्ट में बात करी ना आपने कि एक इंसान टेररिस्ट तब बनता है जब उसको नॉलेज भी कम होती है और व्हाट वी से मॉरल वैल्यूज भी कम होती हैं, ठीक है। पर ये अनक्लियर है थोड़ा सा, ऑल दो आई एम एबल टू गेट योर मीनिंग थ्रू दिस। एजुकेशन इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। सेल्फ बिलीफ कैन ओवरकम फियर, ठीक है। चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ अचीविंग सक्सेस, गुड। गुड सोसाइटी डेवलप्स गुड माइंडसेट, अंजलि जी बधाई हो, सारे के सारे ठीक नहीं है। ये लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड मॉरल वैल्यूज कॉजेज टेररिज्म सेंटेंस थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है, बाकी सारे के सारे आपके ठीक है। निखिल लिखते हैं शार्प माइंड टैकल एवरी सिचुएशन, ठीक है। टेररिस्ट फॉट विद एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन एजुकेटिंग वैल्यूज इज इम्पॉर्टेंट, एजुकेटिंग वैल्यूज इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फेसिंग फियर मेक्स इट वैनिश, वाओ ये अच्छा है, छोटा और अच्छा। एक्सेप्ट एवरी चैलेंज एंड कम्प्लीटेड, ठीक है। वर्क फॉर सोसाइटी नीड्स इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, ओके निखिल जी दिस इज ऑल्सो 10/10 फाइन। रोशनी विनर्स हैव शार्प माइंड, ठीक है। सोल्जर्स आर ट्रेन टू टैकल टेरर ग्रेसफुली, ओके। एजुकेशन हेल्प्स इन पर्सनैलिटी ग्रोथ, फियर इज बीस्ट विच हिंडर ग्रोथ, चैलेंजेस गिव अपॉर्चुनिटी टू थिंक डिफरेंटली एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, गुड सोसाइटी हेल्प टू डेवलप गुड मॉरल वैल्यूज। रोशनी जी बधाई हो, 10/10 है, आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर रही हैं। करण लिखते हैं वी मस्ट मेक आवर माइंड एज अ शार्प एज शार्प एज नाइफ, ओके। करण जी आपको बता दूं, आपको कभी भी अपने वैट में मस्ट शुड बी का प्रयोग नहीं करना है, दे आर जनरली सजेशंस। दूसरा दे ही आई वी थर्ड पर्सन को भी इंक्लूड मत करो, ठीक है। देन ओनली इट विल बी ईजी फॉर साइक टू एक्सट्रैक्ट, जब आप सजेशन देते रहोगे ज्ञान देते रहोगे प्रीचिंग्स करते रहोगे तो ज़रूरी नहीं कि आप उन चीज़ों को मानो ही मानो, जैसे सब बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए पर एक पॉइंट पे सब बोलते हैं, सब बोलते हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए पर एक पॉइंट पे सब करते हैं, तो इस बात की गारंटी बहुत कम है कि जो आप लोगों को ज्ञान दो वो ज्ञान आप मानो। सो योर सेंटेंसेज शुड नॉट अपीयर टू बी प्रीचिंग वंस, कि ये
दिशा निर्देश दिए गए हैं, है ना। वी मस्ट मेक आर माइंड एज शार्प एज नाइफ। इक्योलिप्टस इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, नॉलेज बेस है। एजुकेशन इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सक्सेसफुल पर्सन हैज़ नेवर फियर ऑफ लूजिंग, ठीक है। वेलकम चैलेंजेस इन योर लाइफ, इट मेक्स यू स्ट्रांग, बी काइंड एंड हेल्पफुल इन द सोसाइटी। आपके बाकी के पाँच एकदम सही हैं, पहले वाले भी सही है, ये बहुत ज़्यादा सजेस्टिव नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि मस्ट और शुड का प्रयोग ना ही करो। सागर लिखते हैं, शार्प माइंड्स फाइंड सॉल्यूशंस इजीली, ठीक है। टेरर हैज़ नो रिलीजन, वेरी गुड। ये आपने जब लिखा है टेरर हैज़ नो रिलीजन, ये आपकी सोशल अडेप्टिबिलिटी कंपेनियनशिप दिखाता है। मॉरल एजुकेशन ब्रिंग्स गुड इन सोसाइटी, ठीक। फियर इज़ जस्ट एन इल्यूजन, बहुत अच्छा। चैलेंजेस मेक्स अस बेटर, गुड पीपल मेक अ बेटर सोसाइटी। सागर जी बधाई हो, बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छा लिखा है आपने, दिस इज़ 10/10। यार सारे रिकमेंड हो जाओगे मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से प्रैक्टिस चल रही है, महीने भर में साइक अच्छा हो जाएगा, उसके बाद अपन इंटरव्यू अच्छा कर लेंगे, और GTO फिर फाड़ के रख दोगे आप लोग। अगर दो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो तीसरे में ना, क्रिकेट खेलते हो अगर तीन बॉल पर छक्का लग जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी तीन बॉल पर चौका ना लगे। डेरी लिखते हैं, प्रैक्टिस शार्पन्स ब्रेन, टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल इशू, ओके। एजुकेशन इज़ बेस्ट टूल टू अपलिफ्ट सोसाइटी, वेरी गुड। फेसिंग फियर इज़ ओनली वे टू डील विद इट, क्या बात है। चैलेंजेस इंप्रूव एबिलिटी एंड स्किल्स, वाई सिटीजन्स मेक्स बेटर सोसाइटी। डेरी जी बधाई हो, सारे के सारे सही हैं, एक्सेप्टेबल हैं, ये रिकमेंड कर देंगे आपको। डेरी आप नए हो ना, सो प्लीज़ टेल मी इन कॉमेंट कि आपने पहले से कहीं कोचिंग ली है और यू हैव गिवन SSB बिफोर, ठीक है। शुभव गौतम, मेडिटेशन शार्पन्स ब्रेन, प्रॉपर लॉज कैन स्टॉप टेररिज्म, ठीक है। प्रॉपर लॉज कैन स्टॉप टेररिज्म, ठीक है। इस शुभव इसके बारे में बताना मुझे कि ये क्या सोच के इतना सेंटेंस को लिखा आपने। एजुकेशन पर्पस इज़ टू गिव ओपिनियन टू पीपल, ठीक है। फियर ऑफ डेथ प्रोहिबिट्स इन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। चैलेंजेस अर्ज टू इंक्रीज कैपेसिटी। सोसाइटी नॉर्म्स आर चेंजिंग नाउडेज। लास्ट वाला अच्छा है, ये दिखाता है कि आप थोड़े से अपग्रेड हो। बाकी शुभव सारे के सारे बहुत अच्छे से तो नहीं आए, चलो एक बार फिर देख लेते हैं आपका। मेडिटेशन शार्पन्स ब्रेन, ये बहुत अच्छा है। प्रॉपर लॉज कैन स्टॉप टेररिज्म, ये ऊपर नीचे गया, मेरे माइंड में यही चल रहा था मेरे ख्याल से तब से जब से मैं बाकी पढ़ रहा हूँ। एजुकेशन पर्पस इज़ टू गिव ओपिनियन टू पीपल, ठीक है, फाइन। फियर ऑफ डेथ प्रोबेट्स एंजॉयमेंट लाइफ, करेज। चैलेंजेस अर्ज टू इंक्रीज कैपेसिटी, डिटर्मिनेशन। सोसाइटी नॉर्म्स आर चेंजिंग नाउडेज। ओके शुभव सारे के सारे अच्छे हैं। लास्ट वाला बहुत ज़्यादा नहीं बता पाया आपके बारे में, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमें एक स्पेक्ट्रम भी चाहिए। स्पेक्ट्रम मतलब ऐसे नहीं कि सारे के सारे बिलीफ पे आ गए, कुछ इधर उधर के आएंगे तभी तो पता चलेगा कि नेचुरली सोच रहा है लड़का। एक इंसान हर वक्त बहुत अच्छा नहीं सोच सकता हर एक वर्ड पे, है ना। सो यू आर ऑल आर फाइन, और प्लीज़ मुझे इस वाले का बता देना, जब आपने लिखा प्रॉपर लॉज कैन स्टॉप टेररिज्म, इसका ये मतलब है कि बहुत अच्छे कानून आ जाएंगे तो टेररिज्म रुक जाएगा, ऐसा। भास्कर पांडे लिखते हैं, शार्प माइंड टेक स्विफ्ट एंड करेक्ट डिसीजन, ठीक है। बी विजिलेंट टू एवरी सस्पिशियस एक्टिविटी नियर बाय दैट कर्ब्स टेररिज्म। भास्कर जी बी का प्रयोग भी ना करें, व्हेन यू राइट बी विजिलेंट इट इज़ अ डायरेक्शन, इट इज़ अ गाइडलाइन, एंड गाइडलाइंस आर नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय द वन हु इज़ गिविंग द गाइडलाइन। एजुकेशन इज़ द की टू ग्रोथ ऑफ नेशन, ठीक है। वन हु स्टैंड्स फॉर द राइट नेवर हैज़ एनी फियर, वेरी गुड। चैलेंजेस मेक्स अ पर्सन स्ट्रांग, वन मस्ट बी सोशल विद ऑल द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। भास्कर जी आपने जब बी और वर्ड बी और मस्ट दोनों वर्डों का प्रयोग किया तो वो सजेस्टिव इन नेचर हो गए एंड दे आर नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। अमूल लिखते हैं, शार्प माइंडेडनेस इज अचीव्ड बाय वर्किंग स्मार्टली, ठीक है। टेरर ऑफ एनीथिंग इज रिमूव्ड व्हेन वन फेसेस इट बोल्डली, वेरी गुड। एजुकेशन इज द बेस्ट ब्लेसिंग फॉर ह्यूमन, अच्छी बात है। ग्रोथ इज देयर व्हेन वन फेसेस वन फियर, ठीक है। लीडर्स आर मेंट टू फेस चैलेंजेस इन द पाथ, हेल्पिंग सोसाइटी पीपल इज बेस्ट वन कैन डू। अमोल जी बधाई हो, दिस इज 10/10। कितने हैं, ओके मनीषा लिखती हैं, इंडियन आर्मी वॉज शार्प ऑन गेटिंग रिट्रीटिंग एट गलवान वैली। द टेररिज्म इन कश्मीर कैन ओनली बी कंट्रोल बाय एजुकेटिंग पीपल, ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स वन टू सी बिगर पिक्चर, ठीक है। ओनली बाय लेटिंग गोइंग ऑफ फियर वी कैन बिकम स्ट्रॉन्गर। Challenges brings new talent capabilities out of us, ठीक है। Society help us to keep moral values high. मनीषा जी बधाई हो, this is 10/10। सारे के सारे अच्छे हैं। शिवा लिखते हैं,
मेडिकेशन मेक्स आवर माइंड शार्प, ठीक है। इंडिया नेवर कॉम्प्रोमाइजेस टू एलिमिनेट टेररिज्म, इंडिया नेवर कॉम्प्रोमाइज टू एलिमिनेट टेररिज्म, कॉम्प्रोमाइज नहीं करती टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए। ओके, एजुकेशन विद प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ फ्लरिश द करियर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस हेल्प्स टू ओवरकम द फियर ऑफ एग्जाम, फिजिकली चैलेंज पीपल आर मेंटली स्ट्रांग। अच्छा, सीनियर सिटीजन्स कैन बिल्ड द सोसाइटी विद एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज। चलो शिवाजी साथ आपके सारे दोबारा देखते हैं, काफ़ी इधर उधर थे। पहला, मेडिकेशन मेक्स अर माइंड शार्प, एक्सेप्टेबल, अच्छा इनफैक्ट। इंडिया नेवर कॉम्प्रोमाइजेज टू एलिमिनेट टेररिज्म, इसका समझ नहीं आया मुझे, इंडिया कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता टेररिज्म को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब करना चाहता है ना एलिमिनेट, तो ये सेंटेंस मतलब मुझे बता रहे कि आप क्या सोच रहे हो, पर जो फॉर्मेशन है वो बहुत अजीब है। एजुकेशन विद प्रैक्टिकल नॉलेज फ्लरिश द करियर, ये बहुत ठीक है। प्रैक्टिस हेल्प्स टू ओवरकम द फियर ऑफ एग्जाम, वेरी गुड। फिजिकली चैलेंज पीपल आर मेंटली स्ट्रांग, नॉट ऑलवेज, बट ठीक है आपने माना है तो आपकी बातें सुनते हैं हम। सीनियर सिटीजन कैन बिल्ड द सोसाइटी विद एथिक एंड मॉरल वैल्यूज, ओके। शिवाजी सारे के सारे ठीक हैं, सारे के सारे एक्सेप्टेबल हैं, ऑल दो आई नॉट से इट इज़ 10/10, दे कैन बी बेटर एंड आई नो विद टाइम यू विल। सो दिस इज़ फॉर WAT, होप कि आप सारे के सारे बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हो और इनफैक्ट कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। होप कि कभी ना कभी आप सारे के सारे सेना में पहुँचे ही पहुँचे, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत।